दिल्ली के आईटीओ में स्थित गांधी भवन में हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की दिल्ली यूनिट ने बुधवार को एक मीटिंग बुलाई जिसमें रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं पर चर्चा की गई। यह मीटिंग स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुलाई गई जिसमें दिल्ली के कई बाज़ारों के प्रतिनिधि आए। इस मीटिंग में हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, महासचिव सुषमा शर्मा, दीपक चावला और अन्य नेताओं ने अपनी बात रखी और सभी रेहड़ी पटरी वालों को कहा कि अगर कोई एमसीडी अधिकारी या पुलिस वाला उनसे रिश्वत मांगता है तो वो उसकी सूचना कमेटी को दें। मीटिंग के अंत में मोहम्मद इश्क नूरी ने एक गीत भी प्रस्तुत किया। सच न्यूज़ 24/7 से किरण चौधरी के साथ प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट। आज के जो मेन मुद्दे पे चर्चा करके आगे हमें कैसे बढ़ना है इस बात पर जो चर्चा करके और आगे बढ़ने के लिए इस समय को लेने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार जी, कृपया आप आके समय दें। थैंक यू। धन्यवाद संजीव। मंच पर बैठे हॉकर्स के साथ काम करने वाले हमारे सभी नेतागण, उस कानून से एक नई उम्मीद जगी थी। रेहड़ी पटरी पे अपने पेट पालने वाले, आजीविका चलाने वाले, जिनको संविधान की धारा 21 के तहत 19 के तहत जीवन जीने का हक दिया गया है, आजीविका का हक दिया गया है, आखिरकार संविधान द्वारा दिए गए उस हक के तहत असली जामा कैसे पहनाया जा सके, इस कानून की रूपरेखा बनी थी। और एक उम्मीद थी कि जो तकरार चल रहा है समाज के अंदर, जो संघर्ष चल रहा है, चाहे वो संघर्ष आपका एमसीडी के साथ हो, जो संघर्ष आपका पुलिस के साथ हो, पीडब्ल्यूडी के साथ हो, जल बोर्ड के साथ हो, डीडीए के साथ हो, जमीन पे अपना हक रखने वाली, शहरी जमीन पे अपना हक रखने वाली तमाम एजेंसियां हैं, उनसे आपका संघर्ष चल रहा था। और वो संघर्ष कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि उस संघर्ष में एक विराम लगेगा और इस लड़ाई का अंत होगा और आपके इस संघर्ष का भी अंत होगा। लेकिन 10 साल बाद जब आप देखते हैं उस संघर्ष किस मान पे है, तो आप ये देखते हैं कि संघर्ष अब भी जारी है। हाँ, पहले संघर्ष सीधा था, वो कहते थे आप गैर कानूनी हो, हटो, जमीन खाली करो। अब वो ये नहीं कहते, अब वो ऐसी बातें करते हैं जो समझने के लिए रावत जी दिन रात कागज पे काम करते रहते हैं, कानून की किताबें पढ़ते रहते हैं, कानून की किताबों से नुक्ता निकालते हैं। सेक्शन 11 बता रहे थे भाई साहब, सीओवी के अंदर लिखा हुआ है, सेक्शन सीओवी के अंदर पूरा का पूरा पन्ना लिखा हुआ है, उन्होंने छापा हुआ है। और आगे क्या लिखा है, आप कहां लगाते हो, क्या बेचते हो, कब से लगा रहे हो, कुछ नहीं। और पीछे पूरा पन्ना छाप दिया उन्होंने। ये संघर्ष जहां आसान होना था, हम ये देख रहे हैं कम हुआ अधिक हुआ, वो तो दूसरी बात है, दूसरा विषय है, उस पर चर्चा अलग से हो सकती है कि संघर्ष कम हुआ या अधिक हुआ। संघर्ष आपका जटिल हो गया, बुद्धि उलझ रही है, उलझाई जा रही है। अब जब सामने वाली पार्टी इसी कानून को पढ़ के समझाना चाह रही हो आपको कि कानून के अंदर ये लिखा है, आधे घंटे के अंदर आगे बढ़ जाओ,
तो इस कानून को दोबारा से पढ़ना होगा और जो उल्टा समझ रहे हैं उनको सीधा समझाना होगा। ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, ये सिर्फ ये दिखाता है कि आप जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे पहले, आपको भी अपने संघर्ष का तरीका बदलना होगा। ये संघर्ष एक नए मुकाम पे आ गया है जहां अब निर्णायक संघर्ष होना है, आर या पार की लड़ाई होनी है। आप इसमें या तो जीतोगे या हमेशा हमेशा के लिए हार जाओगे। और ये लड़ाई इतनी सिंपल लड़ाई नहीं होने वाली कि आप सिर्फ संख्या के दम पे जोर जबरदस्ती करके आप जीत लोगे। क्यों कर रहे हो आंधी रुकने का इंतजार?